वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो कहीं कहीं तो एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल हो गए, स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए, बट कहीं कहीं जैसे मैं अपडेट डालती रहती हूँ तो अभी कोई कंफर्म नहीं है बहुत जगह। तो स्टूडेंट्स अभी ये पूछ रहे थे कि हम बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एंड कहीं कहीं लेटर आ चुका है कि एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिपरेशन टिप्स क्या होंगी, कैसे तुम्हें आंसर राइटिंग करना है, किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, कैसे तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो बहुत कम लिख के, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी टिप जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ वीडियो में, एंड बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर के पेपर तुम्हें कैसे मिलेंगे वो भी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बीएससी नर्सिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लास्ट 5 से 10 ईयर्स के पेपर्स चाहिएंगे, वो भी बताऊँगी कैसे तुम्हें लेने हैं। लास्ट 5 से 10 ईयर्स के यहाँ पे तुम्हें पेपर चाहिएंगे, तुम्हें पेपर ले लेने हैं। 5 ईयर के भी चलेंगे, 10 ईयर के भी, 7 ईयर के, जितने तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, जितने तुम्हारे पास हो सभी चलेंगे। उनमें से तुम्हें क्या कर लेना है, क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। वो क्वेश्चंस सारे तुम्हें कॉपी में या फिर एक पेज पे लिख लो, लाइक पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री या फिर MSN की तुम लिख रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के अलग अलग लिख लो सबके। एंड उनमें से ये देखो कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, रिपीटेड वालों को ऊपर लिख लो, एंड जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो एक एक बार आए हैं उनको नीचे लिख लो। एंड उनको तुम्हें रिवाइज करना है, उनको तुम्हें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है उन क्वेश्चंस को। सिर्फ वही क्वेश्चंस हमें करने हैं लास्ट टाइम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो। अगर तुम ये ट्रिक फॉलो करोगे तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें पूरी बुक्स की रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो ऑलमोस्ट मास्टर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एंड 30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर तुमसे ना हो पाए सारे तो तुम ऊपर वाले जो तुमने लिखे हैं इंपॉर्टेंट जो बार बार आ रहे हैं वो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो लेट सपोज हमने 30 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो 30 क्वेश्चंस अभी तुम्हें करने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को सबसे पहले तो तुम्हें लर्न करना है, ठीक है, लर्न कर लेना है। बट लर्न करना ही सब कुछ नहीं होता कि मैंने पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा भी लिखूंगा उस क्वेश्चन को। सबसे पहले तुम्हें लर्न कर लेना, सेकेंड उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मतलब तुम्हें राइटिंग एक मैनर होता है, एक पैटर्न होता है हर चीज़ का, तो तुम्हें वो पैटर्न से राइटिंग आनी चाहिए कि तुम उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले। वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, वो चीज़ नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे लर्न करने का। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आंसर लर्न भी नहीं होता, फिर भी वो जितना थोड़ा सा होता है वो उसको इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं। उनको जिनको लर्न होता है उनसे भी अच्छे मार्क्स वो ले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं अच्छे से एक्सप्रेस करना, अच्छे से राइट करना। तो अच्छे से राइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो तुम्हें कैसे राइट करना है, तुम्हें ज़्यादा नहीं राइट करना। बच्चे पूछते हैं कि हम अगर 5 नंबर का मार्क्स है तो कितने पेज लिख दे, 10 लिख दे 15 लिख दे, ऐसे तुम्हें पेज पे डिसाइड नहीं, कंटेंट पे जाना है। तुम्हें मेन कंटेंट लिखना है, तुम्हें लिखना है कि तुम क्या एक्सप्रेस यहाँ पे करना चाह रहे हो। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है एंड तुम्हें बहुत कम भी नहीं लिखना है, अप टू पॉइंट लिखना है, ठीक है, कम नहीं लिखना ज़्यादा नहीं लिखना। एंड तुम्हें क्या करना है, अगर हो सकता है तो कोई डायग्राम जरूर बनाओ क्वेश्चंस में। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कोई डायग्राम आता है या फिर तुम क्वेश्चन के साथ डायग्राम है तो लाइक एनाटॉमी वगैरह में तो डायग्राम चलते हैं, जिसमें डायग्राम्स नहीं है थोड़े बहुत टेबल वगैरह की फॉर्म में तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल कुछ नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ में कुछ भी लिखोगे एग्जामिनर जो होगा उसको रीड नहीं करने वाला है। तो पैराग्राफ में एक भी आंसर, सिंगल आंसर तुम्हें नहीं लिखना है आंसर शीट में। तो सब कुछ यहाँ पे तुम्हें पॉइंट वाइज मेंशन करना है कि लाइक हम कर रहे हैं स्टार्ट, तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के लिए 2 लाइंस 3 लाइंस मैक्सिमम, ठीक है। देन हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में लिखो, 1 2 3 4 ऐसे लिखो, बिल्कुल पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना है कि लेट सपोज वगैरह वगैरह वगैरह, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। फिर 5 में से 1 मार्क्स मिलते हैं जो पैराग्राफ में लिखता है। एंड जो यहाँ पे लेबलिंग करता है थोड़ा बहुत डायग्राम बना देता है, एंड जो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है लाइक
बीच में हमको किसी चीज को लेके एंड लाइक उसकी फिंगर्स को बार बार, मतलब किसी मेन टॉपिक को हम बीच में लिख ले, लेट्स सपोज मॉडल के बारे में लिख रहे हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में लिख रहे हैं हम, एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमने बीच में सेंटर में लिख लिया, एंड देन वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम उसके चारों तरफ सजा दें, मतलब लाइक क्या होते हैं इसमें सेमी परमेबल वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तुम सजा सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को यहाँ पे इजीली हो जाता है, उसको यहाँ पे पॉइंट्स भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या करेगा अच्छे से वो डायग्राम देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा। और ऐसे अगर तुम लिखोगे तो पांच वाले जो क्वेश्चंस नंबर, पांच नंबर के क्वेश्चंस में 4.5 नंबर तुम्हें इजीली स्कोर हो जाएंगे, ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें डायग्राम्स यहाँ पे फिगर वगैरह लेबलिंग कर लेनी है, ठीक है, ये करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है। तो ये तुम्हें राइटिंग आंसर्स के बारे में देख लिया हमें, एंड जो मेन जो बात होती है टाइमिंग का तुम्हें ध्यान रखना है, ये नहीं है कि हम सजाने लगे क्लाउड बनाने लगे तो एक ही क्वेश्चंस बस हो रहा है और टाइम निकलता जा रहा है, एक घंटा निकल गया एक ही क्वेश्चंस में, ऐसे नहीं करना है। हमें टाइम सेव करना है, हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लेना है कि इतने क्वेश्चंस हैं तो इतनी देर में करना है, तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम टाइम दोगे तो वो अच्छे से भी हो पाएगा एंड सभी क्वेश्चंस को तुम यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर तुम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम्स में तो पॉसिबिलिटी रहती है, तुम्हारी री तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो किसी में कुछ कमी होगी तो कुछ कम मार्क्स मिल जाएंगे, किसी में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, बट होपफुली तुम्हें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे। बट अगर तुम क्वेश्चन पेपर ही हाफ अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से हाफ मार्क्स मिलेंगे तो री के चांसेस तो अपने आप हो जाते हैं। तुम्हें क्वेश्चन पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट करना है। ये दो चार बातें थी, टिप्स थी जो मैंने शेयर की, और तुम्हें इन बातों को ध्यान रखना है। जो लास्ट अभी बातें आती हैं कि बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमें कैसे लेने हैं, तो एज लाइक कि तुम एक यूनिवर्सिटी से नहीं हो, काफ़ी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है मेरे साथ कनेक्टेड है, तो सभी को मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती। बट तुम्हें क्या करना है, अपने बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करना होगा। हर कॉलेज में सीनियर्स होते हैं, ठीक है, सभी के, एंड उनके पास पेपर्स होते हैं, उन्होंने दिए हैं पिछले साल, उनके पास पेपर्स होते हैं, नहीं होते तो लाइब्रेरी वगैरह से अरेंज कर देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सीनियर से पेपर्स लेने, अगर नहीं दे रहे कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट कर लेनी है तो तुम्हें वहाँ से बीएससी नर्सिंग पेपर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से तुम्हें बीएससी नर्सिंग पेपर्स ले लेने। और ऐसे मैंने बताया ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे स्टडी करना है एंड ये टिप्स को फॉलो करना है, एंड इससे बहुत ज़्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।